हेलो एवरीवन वेलकम ऑन बायोलॉजी बल एंड गाइस दिस इज सेवेंथ लेक्चर ऑफ सीरीज़ वन एंड सेट बी ऑफ साइनोबैक्टीरिया हमने बताया था कि हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपसे थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो इससे पहले वाली सीरीज़ थी मतलब सीरीज मतलब लेक्चर सिक्स में हमने आपको फिफ्टीन क्वेश्चन बताए थे एंड नाउ इन लेक्चर सेवन हम आपको नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन दैट कम्प्लीटली कंसर्न टू द डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम आपको बता चुके गाइज दे आर एलगीज़ और एलगी में कौन से प्रो कैरियाटिक एलगी केवल यही एक ग्रुप हो जो प्रोकर एलगी का होता है बाकी जितने भी एलगी जो होते हैं गाइज़ वो सभी यू कैरियाटिक होते इसके अलावा हम इन्हें बिलूगरीन एलगी प्रो कैराटिक एल्गी, एल्गी मेगजोफाइसिन एलगी और साइनोबैक्टीरिया कहते इतने सारे नामों से जाना जाता है तो गाइज इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ नैनोसाइट्स एक सेल्स होती हैं नैनोसाइट्स इनका फंक्शन क्या है इससे पहले हमने इनकी प्रेजेंस बताई थी ब्लू ग्रीन एलगी किस मेंबर में ही होती हैं एंड नाउ क्वेश्चन में हमने पूछा है कि फंक्शन क्या होता है इनका गाइस तो ये आपको बताया अभी तक जो चीज़ें हमने बताई थी कि जो स्पोर इंडो स्पोर या जो इसकी दूसरी रिप्रोडक्टिव बॉडी बताई थी आपको ये सब होते हैं ए सेक्सुअल और नॉन मोबाइल नॉन मोटाइल ठीक है तो उसी कैटेगरी में ए सेक्सुअल नॉन मोटाइल इनकी बिहेवियर होता है और दे आर हेल्पफुल इन द रिप्रोडक्शन ठीक है ये एक्सपोल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है मतलब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इस एंड सेकेंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं दी मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर आल स्ट्रक्चर्स एकाइनीट्स नैनोसाइट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में दो कैटेगरी इंडो एंड ढिक्सो आप दाइनो बैक्टीरिया देखिए हमने सबको आपको एक बार बता चुके हैं नैनोसाइट भी आपकी आ गई एकाइनीट ऑलरेडी आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं हैंनीट क्या होती है जो आपके रजिस्टिंग स्पोर्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मीन्स होते हैं ये इनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है सैनोबैक्टीरिया में नैनोसाइट हम आपको कल से बता रहे हैं आज फिर बता रहे हैं कि ये भी इसी कैटेगरी को होते हैं ए सेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स और दो टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं एक्जो और इंडो इन सबको एक जनरल अगर टर्म दिया जाए तो ये क्या है ये सब आपके ए सेक्सुअल के साथ नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर्ट हैं क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रियट टर्म की बात कर रहा है तो ए सेक्सुअल तो ये भी ऑप्शन है बट ये रियल में क्या है नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं ठीक है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट दी नैनोसाइट आप देखिए नैनोसाइट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी दे आर नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर्ट इन दी कौन से बैक्टीरिया में होती है नॉन फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे आपने देखा हुआ नास्टाउ गाइज क्या होता है फिलामेंटस होता है आसिलोटोरिया कैसा होता है फिलामेंटस होता है हम बात किस में कर रहे हैं नॉन फिलामेंटस जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं उनमें जैसे माइक्रोसिस्टिस एंड मेरिस्मोपीडिया इस तरीके के जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज उनमें ये सेल्स पाई जाती हैं एंड दे आर सोर्स ऑफ ए सेक्सुअल रिपोडक्शन ना दे आर स्मॉलर देन वेजिटेटिव सेल्स जब इनका हम बनाते हैं जो इनका थैलस होता है तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा होती हैं ये बीच में बनती हैं नैनो तो नैनो की कंपनी में ये काफ़ी छोटी होती हैं ये बात भी सही है एंड देन दे फार्म एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन फार्मिंग न्यूमेरस सेल्स मतलब जब रिपीटेड सेल डिवीजन होता गई तो बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तब ये सेल नैनोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब सेल बाल में नहीं बनती है। तो नेक्ड प्रोटोप्लास्ट होता है ठीक है विद इन पेरेंट सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन होता रहता है न्यूक्लियस का और बाल का फॉर्मेशन नहीं होता है जैसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टाइप का होता है और कंटिन्यूस होता है तो ये नेक्ड प्रोटोप्लास्ट होता है और उनका नाम क्या होता है नैनोसाइट एंड दे आर हेल्पफुल इन द सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो डी ऑप्शन इज करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है ए बी, एंड सी आर कंप्लीटली ट्रू रिगार्डिंग दी नैनोसाइट्स तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि नॉन फिलामेंटल ग्लू एलगी में ये सेल्स पाई जाती है हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं एल की क्वेश्चन नंबर फोर में बात करते हैं एक्जो स्पोर्ट्स आर फाउंड इन विद साइनोबैक्टीरिया देखिए हमने स्पोर्ट्स में दो बातें बताई थी कि स्पोर में दो कैटेगरी है इंडो वाले भी हैं और एग्जो वाले भी हैं ठीक है थीके? तो आपको एक्जो की बात पूछ रहा है यहाँ पर एग्जो स्पोर कहाँ पे पाए जाते हैं तो इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं है ये केवल आपको रटना पड़ेगा हाँ एडाप्टेशन से इनका लिंक मिल सकता है कि कौन से बैक्टीरिया एग्जो बनाएंगे कौन से इंडो बनाएंगे ठीक है कहीं तो यहाँ पर केवल आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें पहला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर चैमसी सीफोन जो आपका ब्लू ग्रीन एलगी होता है उसमें आपके एग्जो स्पोर्ट्स बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये मालूम चल गया कि इस नाम का भी कोई ब्लू ग्रीन एलगी होता है दूसरा ऑप्शन कि इसमें एग्जो स्पोर बनते हैं ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हम बात करते हैं देखिए डिफरेंट स्पोर्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव उनके मेम्बर से कौन सा स्पोर कहाँ बनता है जैसे एग्जो कहाँ बनता है इंडो कहाँ बनता है नैनोसाइट साइड कहाँ बनती है और रेस्टिंग एकाइनिट जो होते हैं रेस्टिंग स्पोर्ट्स कहाँ बनते हैं देखो क्यों एकाइनिट बहुत सारी जगह बनते हैं मगर यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है बिल्कुल सही है इनके सामने ही अरेंज कर दिया मैंने सिलेंड्रो स्पर्म यहाँ पे सही ऑप्शन से आपका नैनोसाइट आपकी आपको बताया था मेरसमी पीटिया और एक और दूसरा बताया था अभी एग्जाम्पल उसमें बनती है और इसके अलावा इंडोस्पोर अभी हमने आपको बताया था एक्जो स्पोर के बारे में चैमसी सिफोन में और आपका इंडो स्पोर भी देख लीजिए डर्मो कार्पेला में बनते हैं तो इस तरीके से दीज आर फोर डिफरेंट इंपॉर्टेंट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द ब्लू ग्रीन एलगी मतलब साइनोबैक्टीरिया में अब यहाँ पर्टिकुलर एलगीज़ के नाम है कि किस एलगी में कौन सी रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है मतलब ए सेक्सुअल रिपोडक्टिव स्पोर बनते हैं तो एकाइनीट सिलेंट्रोस्पर्मा में नैनोसाइट आपकी मेरिसमोपीडिया इंडो स्पोर डर्मोकारपेला एक्जो एस्पोर चैमसी सिफोन तो करेक्ट आंसर गाइज ए ना क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करते हैं इन साइनोबैक्टीरिया इन थाइलाक्वाइड स्पेस ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज बहुत सारे रिपीटेड हैं देखिए क्या कह रहा है इन साइनोबैक्टीरिया में थाइलाक्वाइड मतलब जो इनका पिगमेंट सिस्टम होता है उसमें थाइलाक्वाइड जो स्पेस होता है उसके अंदर ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है गाइज एक कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं विच एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ ग्लूकोज किसका मतलब ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज़ का स्टोर हाउस है नो प्रॉब्लम उन्हें हम क्या करते हैं पालो पॉली ग्लूकैन ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं मतलब उन्हीं को हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को हम दूसरा नाम क्या है पॉली ग्लूकैन ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं दे आर आल्सो नोन कहने का मतलब दो नाम तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए थर्ड नाम पूछ रहे हैं थर्डली क्या कहते हैं तो करेक्ट आंसर आपका होता है बी अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स भी इन्हें बोलते हैं तो अल्फ़ा ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल या पॉलीग्लूकै ग्रीन्यूल्स एक ही स्ट्रक्चर्स होती है ठीक है आप और ये क्या करते हैं ये आपका ग्लूकोज के स्टोर हाउस होते हैं ना क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करते हैं इन ब्लू ग्रीन द नेम टू सम स्पेशल बॉडीज नाम पूछा है क्या होता है सम स्पेशल बॉडीज सिमिलर टू लिपिड बॉडीज आप दी यूकोराटिक जो लिपिड बॉडी होती है यूकोराटिक सेल में बैसी स्ट्रक्चर होती है कहाँ पर ब्लू ग्रीन एलगी में एंड विच एक्टिंग एज ए फास्टपेड स्टोर हाउस ये आपको फंक्शन बता दिया कि लिपिड बॉड जैसा यू में लिपिड जो होती है वैसी स्ट्रक्चर एक स्पेरिकल होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है और फास्टपेड स्टोर हाउस का काम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं ठीक है मतलब काउंटर एनालॉगस बात हो गई कि काम सेम है मगर नाम क्या है लिपिड बॉडी कहते हैं यू में तो सेम लिपिड बॉडी का इक्वलेंट एनोलॉगस स्ट्रक्चर जो ब्लू ग्रीन एलगी में पाई जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे गाई तो करेक्ट आंसर है डी बॉलिटिन ग्रीन्यूल्स ठीक है बॉलीटिन ग्रीन्यूल्स ही मतलब आपके लिपिड बॉडीज है जैसा कि यू में अब में आप आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एनोलॉगी की बात अगर करें तो ब्लू ग्रीन एलगी में पाई जाने वाली बॉलिटिन ग्रीन्यूल्स इज एनोलॉगस स्ट्रक्चर टू द लिपिड बॉडीज ऑफ यू सेल अपना माइंड खोल के रखेंगे इस दोनों के फंक्शन सेम है ठीक है और बस नाम अलग अलग, अलग आर्गन में नाम अलग अलग है फंक्शन सेम है स्ट्रक्चर सेम है ना क्वेश्चन नंबर एट में बात करते हैं दी पॉलीहड्रल बॉडीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ रूबिस को दी मेन एंजाइम बहुत सारी हमने स्ट्रक्चर की बात करी आगे क्वेश्चन भी बनाया ज्वाइंट क्या कह रहा है फिर से देखिए पॉलीहाइड्रल बॉडीज ऑफ साइनोबैक्टेरिया साइनोबैक्टीरिया में कुछ पॉलीहाइड्रल बॉडीज पाई पॉलीहाइड्रल आपने देखा इस तरीके जो स्ट्रक्चर बनाया ना बैक्टीरिया इस तरीके से उन्हें कहते हैं पॉलीहाइड्रल बॉडीज आप दि बैक्टीरिया किसकी बनी होती है रूबिस को तो आपको पता है रूबिलोज बाईफासफेट कार्बो ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज फोटोसेंथेज का सबसे मेन मतलब सेंट्रलाइज एंजाइम्स होता है रूबिस तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है ठीक है जिसमें एंजाइम सिस्टम होता है तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर है कारबाऑक्सी सोम बोलते हैं ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुआ है कार्बोऑक्सि सोम बोला जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन में हम बात करते हैं साइनोफाइसिन इन ब्लू ग्रीन एलगी इज देखिए साइनोफाइसिन भी एक स्ट्रक्चर होती है ब्लू ग्रीन एलगी में ये क्या होता है इसका क्या काम होता है ये होता क्या है पहले तो काम क्या होता है इस ठीक है तो आपको करेक्ट आंसर हम सीधा सा बताते हैं गाइस करेक्ट आंसर है आपका डी ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है और पॉलीपेप्टाइड जहाँ सी बात है एसिड की चेन होती है रोल क्या करता है नाइट्रोजन मेटाबुलज में ये रोल प्ले करता है बस आप करेक्ट आंसर ध्यान रखो साइनोफाइसिन जो होता है साइनोफाइसिन तो हमारे एलगी जो होते हैं ठीक है थीके? अब साइनोफाइसिन जो टर्म है वो किसके लिए होता है मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर नाइट्रोजन में मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करना मतलब ये पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड सिंपल सी बात है वो आपका प्रोटीन का ही बना होगा मतलब आइनो ओसिड का ही बना होगा तो इतना था लिखें कि पॉलीपेप्टाइड रोल इन हेल्पफुल इन द नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म इज साइनोफाइसिन साइनोफाइसिन में इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है कि वो पॉलीपेप्टाइड्स होता है और रोल नाइट्रोजन मेटाबोलिम में रोल प्ले करता है दैट इज नोन एज साइनोफाइसिन क्वेश्चन नंबर टेन में बात करते हैं जो यूनसेलुलर ब्लू ग्रीन एल होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें जो डीएनए होता है उसका साइज के बारे में क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर स्पेसिफाई कराएं जनरल नहीं बोला यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया में साइज ऑफ डीएनए वो इक्वल टू बैक्टीरियल जीनोम लार्जर देन माइको माइक्रोप्लाजमल जीनोम साइज बोथ नन इक्वल टू वायरस तो इनने बताया कि जो साइनो यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया में जीनोम होता है वो क्या होता है किसके बराबर होता है तो करेक्ट आंसर है आपका सी बैक्टीरियल जीनोम के बराबर कह सकते हैं या जो माइक्रोप्लाज्मा का जीनोम होता है उससे बड़ा होता है ठीक तो का है तो कहने का मतलब लोग साइनोबैक्टीआरिया बैक्टीरिया है इसमें हमने एल्गी में रखा हुआ है मगर बैक्टीरिया के फीचर्स है। तो हैं तो बैक्टीरिया के फीचर इसी बेस पर है कि इनका जो जीनोम होता है बिल्कुल बैक्टीरिया कितना होता है आपसे पूछे कि बैक्टीरिया ने क्यों कहते हैं भाई तो बैक्टीरिया की वजह से इनमें जीनोम सिमिलरिटी की वजह से और एलगी में क्यों करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल बैक्टीरिया में भी होता है ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे तभी तो नाम दिया बिलूग्रीन एलगी में एलगी जोड़ दिया और साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जोड़ दिया तो एक एंटिटी एलगी और बैक्टीरिया कैसे हो सकती है तो इसमें दोनों के ऐसे फीचर पाए जाते हैं कि इन, इनकी जो स्थिति है इनकी जो पोजीन है सिस्टम में वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है मतलब कुछ सिमिलरिटी के बेस पर पे इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया नाम ही दे दिया इन्हें साइनोबैक्टीरिया और उधर बिलूग्रीन एलगी और एक ही आद इंडिविजुअल से तो ऐसा कैसे तो कुछ सिमिलरिटीज होती हैं जब सिमिलरिटी कैसी थी जीनोम का इक्वल होना इन्हें बैक्टीरिया कहलाता है ठीक है बहुत सारे एलगी के फीचर्स होते हैं तो इसलिए इन्हें एलगी बोला गया ना क्वेश्चन नंबर एलेवन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सी के एग्जाम जो होता है एम के बाद नेट उसमें पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं एस लेयर एस लेयर नाम है जिसका सही मतलब होता -like है एक्सटर्नल सेरेटेड लेयर और ओ हेयर लाइक फाइबर्स आर फाउंड केवल स्ट्रक्चर्स का आइडेंटिफिकेशन पूछा कि कहाँ पाई जाती है एस लेयर कहाँ होती है और फंक्शन क्या करती है वो बाद में बात करेंगे पहले अभी केवल ये पता ही है ये होती कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया और दूसरा है ओसिलिन हेयर लाइक फाइबर्स कहाँ होते हैं तो आर के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया तो आपको पता है कि आज हम साइनोबैक्टेरिया की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा साइनोबैक्टीरिया अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या वाला लिखा दिस लेयर हेल्प इन दी ग्लाइडिंग मूवमेंट जैसे आपने देखा होगा आइसलेटोरिया में होती है उसमें हेल्प करती हैं जैसे कि आसिलेटोरिया बिल्कुल सही है तो एसलेयर का फंक्शन क्या होता गाइज और दूसरी लेयर ये वाली इनका फंक्शन इन फाइबर का ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होती जो आपकी स्पेशली uh, आप देखो जनरल आंसर दे दिया साइनोबैक्टीरिया साइनोवेक्टिव ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल प्रेजेंस है वो एल्गी जिनमें आप ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है तो इसका मतलब है तो साइनोबैक्टीरिया तो यहाँ पे जनरल टर्म में साइनोबैक्टीरिया अगर ऑप्शन आए बाय नेम तो आपका आंसर होगा आसिलेटोिया ठीक है गाइस ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम बात करते हैं कि इन बी चल फॉलो यू ट्रू अबाउट द ग्लाइडिंग मूवमेंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी आइसोलेटोरिया तो आसिलेटोरिया में ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है उसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट है हमें बताना है सही गलत कौन सा है सही कौन से है पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लाइडिंग सेल्स मतलब उसके लिए ग्लाइडिंग सेल्स होती हैं और वो सॉलिड मूव ऑब्जेक्ट पे ही ग्लाइडिंग करता है ठीक है ये बात ध्यान रखना दूसरा पॉइंट है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग जो है वो आपका आसलिटोरिया है बिल्कुल सही है थर्ड है ये ड्यूरिंग द ग्लाइडिंग दे सिक्रीट एंड लीव स्लाइम सीट मतलब जब ये ग्लाइडिंग करते हैं तो अपने आपने बताया कि सीट एक लेयर बनाते रहते हैं विच प्रोपेल द फ्लामेंट इन वन डायरेक्शन आर अदर डायरेक्शन आर रोटेटिंग इट वही जो स्लाइम ये जो मतलब स्लाइबा निकालता है वही स्लाइबा ही रिस्पॉन्सिबल है कि अपनी एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं आगे जा सकते हैं पीछे जा सकते हैं जब ये ग्लाइडिंग स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली इनकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनसे स्लाइबा निकलने लगता है स्लाइम सीट बनने लगती है उस सीट के ऊपर मतलब ये जैसे होता है ना रेलवे लाइन टल तो उस पर रेल चल रही उसी तरीके से स्लाइम सीट बन जाती है उसी के ऊपर ये ग्लाइडिंग करता है नाउ ग्लाइडिंग हेल्प्स देम टू रीच ऑप्टिमल लाइटिंग लेवल्स फॉर फोटोसिंथेसिस अच्छा ग्लाइडिंग होती क्यों है असलिटोरिया में असलिटोरिया जहाँ पर पाया जाता है जिस बॉडी में वहाँ पर लाइट की वजह से ये लाइट की तरफ मूव करने के लिए ये जो अपने को चलता हुआ जाता है कहने के जो उसमें मूवमेंट होती है दैट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट ठीक है तो ये मतलब ऑप्टिमल लाइट कैचिंग के लिए ये मूवमेंट करता है जिसका नाम है ग्लाइडिंग मूवमेंट का बिल्कुल सभी स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर आपका ए ना क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते है, इन हैं क्या पॉइंट फिलजिला अपसेंट जनरल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन गाइस आपको जनरल आइडिया मिलेगा बट सब मेंबर्स में मूवमेंट होती है ठीक है वो किसके थ्रू होती है वो फिलेजिला के थ्रू होती है सॉरी वो ग्लाइडिंग के थ्रू होती है हैं ठीक है ओफ ग्लाइडिंग आपको पता है क्या है जब एक स्लाइम की स्लाइबा की लेयर बन जाती है सीट बन जाती है उसके ऊपर ग्लाइडिंग होती है ठीक है कोई फलेजला वगैरह नहीं पा जाते हैं अच्छा दूसरा पॉइंट है स्पायरुलिना जो कि ग्लूग्रीन एल होता है वो हाई प्रोटीन डाइट सप्लीमेंट कहलाता है या उसमें होता है प्रोटीन की क्वान्टी बिल्कुल सही बात है बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ना कुकवाइड और पामियाइड दो तो जेंदा के टाइप होते हैं कुकवाइड और पामिलोइड जो जेंदा हैं ग्रीन एलगी के बुगाई वो बजूनिसेलुलर होते हैं अपना इसमें देखिए दोनों टाइप के होते हैं यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है तो कह रहा है जो इसके जेंदा कुकवाइड और पेमिलोइड टाइप के होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर ही होते हैं मतलब एक सेल के बने होते हैं ना साइनोटॉक्सिन जो होती है वो टॉक्सिन ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी जब वो ब्लूम्स सुना होगा आपने एल्गल ब्लूम जनरल एलगी ग्रीन एल्गी भी ब्लूम्स बनाते हैं उसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया भी ब्लूम बनाते हैं मतलब इनकी जो वाटर बॉडी के ऊपर ग्रीन कलर की जो लेयर थिक लेयर

एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बात करते हैं इन पे फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी फिर एक बात करते हैं ब्लू ग्रीन के बारे में जनरल क्वेश्चन है देखिए मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान रखें इन एक्सेस ऑफ फिक्स सी ओ टू फार्म सीथ जब ब्लू ग्रीन एल्गी में सी ओ टू फिक्स हो जाती है और उसकी एक्सेस मात्रा हो जाती है तो उसके चारों तरफ है सीथ का फार्मेशन हो जाता है कहने का मतलब सी ओ टू की फिक्स अमाउंट जब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के तो उसके चारों तरफ एक सीध का फार्मेशन हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं मिक्जो इसी इसीलिए से नाम दिया गया मिक्गजो फाइसिन का मतलब होता है स्लाइवा की लेयर इनकी बॉडी की चारों तरफ वो लेयर कब होती है जब इनके पास फिक्स सीओ का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है ये बात बिल्कुल सही है सीओ की प्रेजेंस फिक्स सीओ की प्रेजेंस जो है इनके चारों तरफ सीत के फार्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये हम कह सकते हैं कि जो सी का अमाउंट होता है जो फिक्स होता है उसकी जब एक्सेस होती है तो इनके चारों तरफ एक स्लाइबा की लेयर बन जाती है स्लाइम लेयर बन जाती है एंड नाउ बी ऑप्शन है शॉर्टेज ऑफ सी जब टी सी खत्म हो जाती है सी की शॉर्टेज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो जो का फॉर्मेशन हो जाता है वो रुक जाता है बिल्कुल सही बात है सीओ सी टू पर डिपेंड करता है ना ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन सीओ टू एरियाज ये कह रहा है कि मतलब स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है तो बी जी ये जो होते हैं सी ओ टू डिटेज पाए जाते हैं ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी मतलब ए और बी स्टेटमेंट सही है सी जो है गलत है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया डी जिसमें ये बात बोली गई कि ए और बी दोनों ही सही हैं ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बात करते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आप दिस सीरीज आप दिस लेक्चर क्वेश्चन नंबर है कि इनमें फॉलोइंग ट्रू अबाउट द कलर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सीट जो कलर होता है मतलब जिनका रंग होता है साइनोबैक्टीरिया सीट का उसके बारे में क्वेश्चन है कि वो कैसे कैसे बदलता है किस तरीके के हैबिटेट में ग्रो करेंगे तो उनकी सीत का कलर कैसा होगा इन्हें कहा कि जब वो बेसिक सॉइल में ग्रो करता है बेसिक सॉइल वाले एरिया में साइनोबैक्टीरिया होता है तो इसकी जो कलर होता है सीत का वो ब्लू होता है और जब एसिडिक सॉइल में ग्रो करता गई तो इसकी इसकी जो सीत है उसका कलर रेड होता है एसिडिक के साथ रेड होता है इसके अलावा कह रहा है सीत येलो ब्राउन भी होती है भूरी पीली भूरी भी होती है कब जब ये साल्ट वाले हैबिटेट में हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो करता है तो इसकी जो सीत का कलर येलो ब्राउन भी हो जाता है ठीक है और डी ऑप्शन आला ऑफ दी एवोबाइज तो ये बिल्कुल सही है ए बी एंड सी करेक्ट हैं तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी थैंक यू वेरी मच गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल थैंक यू वेरी मच गाइज